गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आपके जो हॉर्नबिल बुक है उसमें लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल का अर्थ होता है आत्मा का परिदृश्य। सोल मतलब आत्मा और लैंडस्केप मतलब होता है कोई ऐसा भूभाग जिसको आप चित्र में उभार सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, तो परिदृश्य हम बोल सकते हैं उसे, आत्मा को देखना। ठीक है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेसन है इसलिए आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। पेंटर, आर्टिस्ट, इनके ऊपर ये लेसन बेस्ड है। ठीक है, नैथली ट्रेवरो ने इसको लिखा है और इसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट को आपको पढ़ने को आएगा कि किस तरीके से, और ऐसी भी बहुत सारी चीजें आ सकती है जो इमेजिनरी है ना, मतलब रियल लाइफ से उनका कोई वास्ता नहीं है पर फिर भी इसके अंदर बताई गई है, तो एक स्टोरी के रूप में ही हम इसको देखेंगे। वंडरस ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी। ये चीन की जो जहाँ पे पाठ्यक्रम वहाँ पर जो कैरिकुलम चलता है वहीं के आर्टिस्ट हैं और वहीं की ये कथाएं हैं, तो इसमें नाम भी बहुत अजीबोगरीब है सब चीज़ों के। तो वू डाउजी नाम के एक पेंटर थे और उनकी एक कथा कही गई है, हु लिव्ड इन अ 8th सेंचुरी, लगभग 8वीं शताब्दी में वो रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप ऑफ कमीशन बाय अ टैंग एम्पायर जुनजोंग टू द डेकोरेट अ प्लेस वॉल। उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वू डाउजी की, तो वू डाउजी को किसने आदेश दिया था, वहाँ के जो एम्पायर थे, जो राजा थे, उनका नाम था जुनजोंग, तो उन्होंने एक आदेश दिया था कि महल की दीवार को सजाने के लिए आप कोई पेंटिंग बनाओ और भूदृश्य वाली पेंटिंग बनाओ, मतलब लैंडस्केप होना चाहिए उसके अंदर। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट। जो पेंटर थे उनको मास्टर बोला जाता था, तो उन्होंने मास्टर ने ऐसी एक पेंटिंग बनाई और जिसको महल के पर्दे के पीछे छुपा दिया गया ताकि सिर्फ राजा ही उनका वर्क देख सके, मतलब और किसी को दिखती नहीं थी, सिर्फ राजा को ही वो पेंटिंग दिखती थी। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल अ एम्पायर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स वाटरफॉल क्लाउड्स फ्लोटिंग ऑन अ इमेंस स्काई मेन और हिली पाथ्स बर्ड्स इन फ्लाइट। अब क्या होता है कि जो एम्पायर रहते हैं, राजा जो रहते हैं, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाता है मास्टर कि उसके अंदर आप जंगल देख सकते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत देख सकते हैं, झरने देख सकते हैं और आसमान में तैरते हुए आप बादल देख सकते हैं, ऊंचे कटीले रास्ते देख सकते हैं, बर्ड्स देख सकते हैं, और इतनी सुंदर पेंटिंग थी वो कि राजा जो है उसकी प्रशंसा दिन भर करता रहता था। तो कुछ दिनों तक तो यही चलता रहा, राजा उस पेंटिंग को देखता और प्रशंसा करता था। देन लुक्सायर सेड द पेंटर, अब जो वो पेंटर है वो बोलता है कि देखिए श्रीमान, अब ये सायर मतलब होता है श्रीमान, तो बोले देखिए श्रीमान, राजा से बोलता है वो, इन अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। देखिए आप पेंटिंग के अंदर देखिए कि एक पर्वत दिखेगा आपको, माउंटेन जो मैंने बना रखा है उसके जस्ट नीचे केव है, केव मतलब एक गुफा है। ड्वेल स्पिरिट, वहां एक आत्मा निवास करती है। ठीक है, ये बिल्कुल इमेजिनरी स्टोरी सुना रहा है वो, तो वो बोलता है कि यहाँ एक उस केव के अंदर एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस इज केव द ओपन। पेंटर क्या करता है, ताली बजाता है और उस केव का दरवाजा है वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर का जो दृश्य रहता है गुफा के अंदर का जो दृश्य रहता है बिल्कुल दिव्य दृश्य रहता है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जिसको शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते, मतलब एक शब्द भी नहीं बोल सकते, इतना सुंदर दृश्य रहता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, आप मुझे अंदर जाने की परमिशन दीजिए। द पेंटर इंटर द केव, अब पेंटर जो है वो गुफा के अंदर चल जाता है, मतलब देखिए चित्र के अंदर पर्वत के नीचे गुफा है और गुफा का भी दरवाजा खुला और वहां पेंटर इंटर हो जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जैसे पेंटर अंदर जाता है गुफा में प्रवेश करता है और उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्पायर कुड मूव और अटर द वर्ड्स द पेंटिंग हैड द वेनिश्ड फॉल द वॉल।
कुछ देर में मतलब राजा जो है अपने सीट से उठें या कोई शब्द बोलें उससे पहले तो वो पेंटर अंदर चला भी जाता है गुफा में, और वो जो पेंटिंग रहती वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है। मतलब किसी को कुछ भी मौका नहीं मिलता है, इतना फटाफट से वो गुफा का दरवाज़ा खुलता है, पेंटर अंदर जाता है, दरवाज़ा वापस बंद होता है और वो पेंटिंग पूरी वॉल से गायब हो जाती है। नोट ट्रेंस ऑफ अ वुडाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट। वो वुडाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी उसका एक ब्रश का निशान तक उस दीवार पर नहीं दिखता, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई पेंटिंग भी लगी हुई थी। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। और वो जो आर्टिस्ट थे वुडाउजी उनका अभी तक भी कोई अता पता नहीं चला है। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जो चाइना की जो शास्त्रीय एजुकेशन दी जाती है, शास्त्रीय शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर ऐसी इमेजिनरी स्टोरीज पढ़ाई जाती है और इनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ की एजुकेशन में। द बुक ऑफ द कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर द फुल ऑफ देम। ये दो बुक बताई गई हैं वहाँ चाइना की, कॉन्फ्यूशियस और जुआंगजी, ये ऐसी स्टोरीज से बहुत भरपूर है। मतलब इमेजिनरी स्टोरीज जो रहती है इनसे बहुत लिखी हुई, जादू वादू ये वो आर्टिस्ट और इन इमेजिनरी स्टोरीज है इनमें। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड द डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। जो कि ये जो दो बुक है ये गुरुओं की मदद करती है ताकि वे अपने शिष्यों को सही रास्ता बता सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर द डीपली रिलीविंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वर द कंसिडर्ड। ये जो कला है इस जो बियॉन्ड एनेक्डोट मतलब इस कथा से परे होके अगर हम सोचें तो भावनाओं से बहुत लबरेज है। जैसी कला वहाँ पे उस बताई गई है स्टोरीज के अंदर ऐसी भावनाएं हमें आती है। मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो कथाएं लिखी गई है कि जैसा आर्टिस्ट जो है जिस प्रकार से कला करता है कुछ बनाता है ऐसी ही वहाँ की कथाएं जो है वो लिखी गई है। कॉन्ट्रेस्ट दिस स्टोरी, ये जो आपने पहली स्टोरी पढ़ी जो ये वुडाउजी की, और दूसरी स्टोरी इसके विरोधाभास में पढ़ेंगे अपन। कॉन्ट्रेस्ट मतलब होती विरोधाभास, मतलब बिल्कुल अपोजिट। अब अपोजिट पढ़ते हैं। और अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन ही हैड पेंटेड। एक बहुत फेमस कहानी है वहाँ की कि एक आर्टिस्ट ने वहाँ पे ड्रैगन का चित्र बनाया और उस ड्रैगन के चित्र में ड्रैगन की आंख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई आंख? क्योंकि उसे डर लगता था, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसे डर था कि अगर मैं इसकी आंखें बना दूंगा तो ये ड्रैगन पेंटिंग से बाहर निकल के उड़ जाएगा। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाउंड द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। और ये जो पेंटर था ये बोलता था कि ये मेरे पड़ोस का ही था, फ्लैंडर एक जगह का नाम बताया, तो फ्लैंडर मेरे पड़ोसी जगह थी और वहाँ के ये बहुत फेमस पेंटर थे और वो अपने आप को क्या बताते थे कि मैं वेस्टर्न पेंटिंग जो पाश्चात्य की पेंटिंग्स जो होती है मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला। इन द 15th century एंटवर्प, अब 15वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे, एंटवर्प नाम की जगह बताइए। मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड द क्विंटिन मेट्से फेल लव विद द पेंटर्स डॉटर। वहाँ एक मास्टर थे ब्लैक स्मिथ, उनको क्विंटिन मेट्से बोला जाता था और ये एक पेंटर की लड़की के पेंटर की लड़की जो थी इनके प्यार में पड़ गई थी। मतलब इन दोनों में कुछ अफेयर्स हो गए थे। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट द सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। परंतु जो लड़की का पिता था वो पेंटर के रिश्ते से बिल्कुल नाखुश था। मतलब उनको अपने दामाद का जो ऐसा जो प्रोफेशन था पेंटिंग का वो पसंद नहीं था। सो क्विंटिन स्कीन इन टू द पेंटर स्टूडियो। अब क्या करा, जो क्विंटिन थे वो एक पेंटर के स्टूडियो में पहुंच गए चुपके से एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन अ लेटेस्ट पैनल। वहाँ का जो नया सा पैनल बना हुआ था उसके ऊपर एक मक्खी का चित्र बनाया।
विथ सच अ डेलिकेट रियलिज्म, और इतना ज्यादा वो सूक्ष्म बनाया, बिल्कुल बारीक बारीक पेंटिंग करके बनाया, और इतना वास्तविक लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये चित्र है, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में मक्खी बैठी हुई है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्विट अवे बिफोर द ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। वहाँ का जो मास्टर थे, उस स्टूडियो के मास्टर थे, उन्होंने सच में उस पेंटिंग को एक रियल मक्खी समझा और उसे भगाने की कोशिश भी करी, जब तक कि उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है। मतलब वो दूर से देखने पर तो ऐसे ही लग रहा था कि एक मक्खी बैठी हुई है और उसे भगाने की कोशिश की गई थी। क्वेंटिन वॉज द इमीजिएटली एडमिटेड एज इन द एपेंटिंस इन टू द स्टूडियो। क्वेंटिन जो थे उन्हें अचानक से वहां पे जो है उनकी बहुत प्रशंसा हुई इस काम के लिए। ही मेरिड हिज बिलव्ड, और फिर उनसे जो लड़की से जो प्रेम करते थे उससे उसकी शादी हो गई। एंड वेंट टू द बिकम द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द एज। उस समय के वो बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटर बन चुके थे। दीज टू स्टोरीज इल्यूस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ द आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दो स्टोरीज आपको जो बताई गई है अभी, ये एक भ्रमित करने वाली स्टोरीज है और बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, बिल्कुल सही भ्रम बताया गया है इसके अंदर। जैसे ड्रैगन की आंख बनाई तो उड़ जाएगा, भ्रमित करने वाली स्थिति है। या फिर पेंटर जो है और उसने ऐसी मक्खी बनाई कि पता ही नहीं चल रहा है कि सही है कि गलत है। तो हम भी समझ सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, मतलब रियल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, भ्रमित करने वाली स्टोरीज रहती है। एन अ यूरोप एन एसेंस ऑफ द इनर लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ एशिया। वहाँ की जो भ्रमित करने वाली स्टोरीज है, जो यूरोप की और एशिया की लाइफ के अंदर जो है, वहाँ की आत्मा में जो बसी हुई जो स्टोरीज है वो इस प्रकार की है। इन अ चाइनीज स्टोरी द एम्पीरियर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स द आउटर अपीयरेंस। अब एक और कहानी इसके अंदर बताई गई है कि किस प्रकार एक चीन के राजा ने एक पेंटिंग बनाने का आदेश दिया और अपनी बाहरी खूबसूरती की वो तारीफ कर रहे थे, मतलब सुंदर चित्र होना चाहिए या मेरे जैसा लगना चाहिए, और वो अपनी बाहरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम टू द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस वर्क। पर जो पेंटर चित्र बनाने वाला था उन्होंने ब्यूटी का सही अर्थ बताया कि आपकी ब्यूटी जो है वो आपके बाहरी किरदार में नहीं है, बाहरी कैरेक्टर में नहीं है, जो सुंदरता होती है वो आंतरिक आपके चरित्र में होती है। द एम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी ही इज कॉन्क्वर्ड। अगर किसी राज्य पे अगर कोई राजा जो है वो हमला करता है और वो जीत जाता है। बट द ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन, परंतु जो सही आर्टिस्ट होता है उसे जीतने का सही तरीका पता होता है। मतलब आप किसी पे अगर शासन करके उसको जीत नहीं सकते, है ना, आर्टिस्ट है तो कोई कलाकारी करके या फिर कुछ भी ऐसी दूसरों का मन जीतने जो होता है, तो वो राजा जो है वो सिर्फ किसी पे शासन कर सकता है, परंतु कवि जो कवि है या किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट है उसे पता है कि लोगों के मन में राज कैसे करना है। लेट मी द शो द वे द ड्यो। वो बोलते हैं कि ड्यो नाम की जो एक शब्द है उसका जो है ऐसा एक वे बताते हैं, मार्ग बताते हैं ड्यो का। अ वर्ड दैट इज मीन्स बोथ द पाथ एंड द मेथड। अब ड्यो का अर्थ क्या है, या तो रास्ता होता है या फिर विधि होती है। एंड द मिस्टीरियस वर्क इन द यूनिवर्स, और यही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में चलता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, ये चीन की संस्कृति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल्स बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। कुछ भी ऐसी खास चीज उसने यूज नहीं की थी और पेंटिंग तो चली गई, परंतु जो आर्टिस्ट थे वो अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। उसको जो राजा को बोलना था वो उसने अपनी पेंटिंग के थ्रू बता दिया था। तो इस तरीके से हमने जो है फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा। अब जो सेकंड पार्ट है आपका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
इसमें आपको कुछ डाउट होता है आप पूछ सकते हैं।